ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ವಿಷ ಕಣ್ಣೆ ನಂಗಾದ. कर्नाटक विधानसभा चुनाव सियासी बयानबाजी अब शब्दों और अमर्यादित टिप्पणियों का रूप ले चुकी है. चुनाव में प्रचार के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी को जहरीला सांप कह दिया. वहीं अब बीजेपी विधायक बासन गौड़ा ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को विषकन्या बता दिया. साथ ही सोनिया गांधी को पाकिस्तान और चीन का एजेंट बताया है. वहीं खड़गे के बयान से नाराज अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जितनी गाली दोगे कमल उतना ही खिलेगा. आइए अब हम आपको बताते हैं कि कर्नाटक के चुनावी मौसम में राजनीतिक दल के नेता कैसे बयानबाजी करते हैं. कर्नाटक के भाजपा विधायक बासन गौड़ा ने शुक्रवार को सोनिया गांधी को विषकन्या कह दिया. उन्हें चीन और पाकिस्तान का एजेंट भी बताया. बासन गौड़ा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब खड़गे पीएम की तुलना कोबरा सांप से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जहर उगलेंगे. लेकिन जिस पार्टी में आप नाच रहे हैं क्या सोनिया गांधी विषकन्या है? इससे पहले चुनावी प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा था कि पीएम मोदी जहरीले सांप जैसे हैं. आप सोचेंगे कि ये जहर है या नहीं, उसे चखेंगे और मौत हो जाएगी. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರ ಹಾವಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಷ ಕಚ್ತಾರತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನೀವೇನು ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ಕುಣಿಲ ಕತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಏನು ವಿಷ ಕಣ್ಣೆ ನಂಗಾದ. ಈ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡೋಣಂತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಜೆಂಟ್ರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಏ ಇದು ವಿಷಯ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಕಕ್ ಹೋಗಿರಿ. ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ, ಇದು ವಿಷಯ ಅದನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲಿ. ಹಾಲಾಕಿ ಮಾಮಲೆ ಮೇ ವಿವಾದ ಬರ್ತಾ ದೇಖ್ ಖಡ್ಗೆ ಸಫಾಯಿ ದೇತೆ ಹುವೆ ಕಹಾ, ಮೈನೆ ಮೋದಿ ಕೋ ಐಸಾ ನಹೀ ಕಹಾ. मैंने जो कहा वो यह था कि विचारधारा जहरीली थी. अगर आप विचारधारा का समर्थन करते हैं और इसका स्वाद चखना चाहते हैं तो मृत्यु निश्चित है. अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं दिल से खेद व्यक्त करता हूं. वही इस पूरे मामले को लेकर भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को इलेक्शन कमीशन ने खड़गे के बयान को लेकर शिकायत की है. जी और आरएसएस की विचारधारा के बारे में कुछ कहा अलहेलिदा. मेरा विचार उनकी आइडियोलॉजी को लेकर है, किसी पर निजी अटैक नहीं है. अल्ली ना हेळिद्दु यावदे ओब्ब व्यक्ति मेले नानु हेळिल्ल. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कर्नाटक के धारवाड़ के नवलगुंद में जनसभा को संबोधित किया. शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा. शाह ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे कभी मोदी की तुलना काले सांप से करते हैं, कभी ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कभी सोनिया गांधी मोदी को मौत का सौदागर कहती हैं. कांग्रेस वालों की मती मारी गई है. मोदी जी को आप जितनी गाली दोगे कमल उतना ही खिलेगा. मोदी जी की तुलना सांप से करने वाली कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जिता सकते हैं क्या, बताइए? जिता सकते हैं? कभी ये कांग्रेस पार्टी नारे लगाती है कांग्रेस तेरी कब्र खुदेगी, सोनिया गांधी जी कहती है मौत का सौदागर, प्रियंका गांधी कहती है नीची जाति के लोग, और ये कहते हैं विषैला सांप. अरे कांग्रेस वालों, आपकी मती मारी गई है, मती मारी गई है. मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला है. बहरहाल कर्नाटक के चुनावी मौसम में सियासी बयानबाजी यूं ही चलती रहेगी, लेकिन अब शब्दों और अमर्यादित टिप्पणियों से राजनीतिक दलों के नेताओं को बचना होगा. डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर.